सागर जिले के गढ़ाकोटा थाने की पुलिस की एक दोषपूर्ण कार्यवाही के चलते एक पक्ष ने 12 साल तक न्यायालय में लड़ाई लड़ी। धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोपी संतोष सोनी को न्यायालय के द्वारा बरी कर दिया गया है। उनके सगे भाइयों ने ही उन पर झूठे आरोप लगाए थे। दो भाइयों सुभाष सोनी और मोहन सोनी के साजिश के शिकार होने वाले संतोष सोनी को 12 वर्षों के बाद जब न्याय मिला तो उन्होंने यह बात कही। असल में मेरे पिता ने मुझे एक प्लाट दिया था जो 1997 में उसमें प्लाट में रह रहा था और पिताजी की मृत्यु लगभग 12 साल पहले हुई। उसके बाद में इन लोगों ने केस, जैसे पिताजी की मृत्यु हुई इन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा केस दोनों भाइयों ने लगा दिया और 12 साल लगभग केस चला। उसके बाद में न्याय की जीत हुई। न्यायालय का आदेश का सम्मान करता हूँ और आज 12 वर्षों बाद सत्य की विजय हुई, इसलिए न्यायालय के प्रति नमन, मेरा नमन है। रेहली न्यायालय से बरी होने के बाद उन्होंने बताया कि 12 साल पहले गढ़ाकोटा थाना में उनके विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। ये झूठा मामला था और इस मामले के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। इसी केस में रेहली न्यायालय ने फरियादी को बरी करते हुए इसे दोषपूर्ण कार्रवाई बताया है। हाँ, एक्चुअली वो मामला जो था संतोष सोनी पे, वो दोनों भाइयों सुभाष और मोहन द्वारा, यद्यपि उसको आपराधिक प्रकरण में बदल दिया, जबकि वो सिविल प्रकृति का एक मामला था जो संपत्ति के विवाद से संबंधित था। इसके संबंध में मोहन सोनी द्वारा पहले भी रिपोर्ट की गई थी गढ़ाकोटा थाने में, लेकिन थाने ने और JMFC गढ़ाकोटा द्वारा और ADA महोदय द्वारा उसको परिवाद खारिज कर सिविल प्रकृति का मामला माना गया था। लेकिन वो दूसरी रिपोर्ट जब सुभाष ने की है तो पुलिस ने कैसे उस पर इसमें गंभीर धाराओं के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर दिया। तो उसका मामला क्या चल रहा था? नहीं, उनका कहना ये था कि मोहन के नाम की संपत्ति है जो पिता फूलचंद जी को वसीयत करने का अधिकार नहीं था और इनने फोर्जरी की है। साथ में 467, 468, 471 इतनी गंभीर धाराओं का मुकदमा जो है वो संतोष सोनी पे बनवा दिया गया था। बाद में संपूर्ण साक्ष्य गवाह के बाद में ADA महोदय रहली द्वारा उसको ये सिविल प्रकृति का विवाद ही माना गया है। आपराधिक धाराओं के अंतर्गत कोई विवाद नहीं बनता है।